हाल ही में एक बहुत अमेजिंग बुक निगाह से गुजरी, सोचा कि आपसे शेयर करना चाहिए, तो आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में उसी बुक के बारे में। ये बुक है हैंडबुक ऑफ मैथमेटिक्स, और ये अपने आप में एक बिल्कुल अलग किस्म की किताब है। यानी कि इसके अंदर कोई एक्सरसाइज नहीं है, कोई सॉल्व एग्जाम्पल नहीं है, फिर भी ये बहुत अमेजिंग बुक है। तो आखिर क्या है इसके अंदर? तो बेसिकली इसके अंदर हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स और उनकी डेफिनेशंस, उनके फार्मूले, और 11th और 12th की जो कंप्लीट मैथमेटिक्स हैं, जितना भी सिलेबस है, स्पेशली CBSE का जो सिलेबस है, या यूँ कहें कि NCERT 11th एंड 12th कंप्लीट सिलेबस का, इसके अंदर मेजर कॉन्सेप्ट्स ब्रीफ में, और सारे जितने भी फार्मूले यूज़ होते हैं 11th और 12th की मैथमेटिक्स में, उन सब की समरी। मेरे ओपिनियन में इट्स अमेजिंग बुक, एंड दिस इज़ नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सम अदर बुक लाइक RD शर्मा और ML अग्रवाल और NCERT। किसी टेक्स्ट बुक का ये सब्स्टिट्यूट नहीं है। यानी ये आपके पास होनी चाहिए टुगेदर विद NCERT, अगर आप NCERT से स्टडी कर रहे हैं तो, RD शर्मा अगर आप RD शर्मा से स्टडी कर रहे हैं, या आप ML अग्रवाल या RS अग्रवाल से स्टडी कर रहे हैं, तो भी हर सिचुएशन में ये बुक आपके पास होनी ही चाहिए इन माई ओपिनियन। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब स्टडी कर रहे होते हैं तो कोई फार्मूला हमारे दिमाग से निकल जाता है और हम कन्फ्यूज़ होते हैं उस फार्मूले के ताल्लुक से, तो बहुत मुश्किल होता है ये जज करना, ये याद करना कि किस बुक में हम इसको तलाश करें, और सारी बुक ज़ाहिर है कि आप हर टाइम अपने स्टडी टेबल पर नहीं रख सकते। उस सिचुएशन में दिस इज़ एन अमेजिंग एड। काफ़ी टाइम से मैं ये ज़रूरत महसूस कर रहा था, इस किस्म की कोई बुक होनी चाहिए। अचानक ये किताब मुझे दिखाई दी और ये मेरी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी निकली, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस फ़ायदे को थोड़ा सा फैलाया जाए और दूसरे लोगों को भी इससे फ़ायदा हो। दूसरा इसका एक यूज़ और भी हो सकता है कि टाइम टू टाइम जब आपके पास कोई फ्री टाइम हो तो आप इसके जो फार्मूले हैं चैप्टर वाइज ओकेजनली आप देख लिया करें, तो इससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी में वो फार्मूले बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएंगे और पॉसिबिलिटी बहुत कम होगी कि आप उनको भूल पाओ। मैं क्विकली आपसे शेयर करता हूँ इसके कॉन्टेंट्स, सो दैट आपको ये आइडिया हो जाए कि कितने टॉपिक्स ये कवर करती है और किन टॉपिक्स की समरी इसमें दे रखी है। तो चैप्टर नंबर 1 है सेट्स, रिलेशन एंड बाइनरी ऑपरेशंस। चैप्टर नंबर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। चैप्टर 4 सीक्वेंसेस एंड सीरीज। चैप्टर 5 परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। 6 बाइनोमियल थ्योरम एंड मैथमेटिकल इंडक्शन। चैप्टर नंबर 7 मैट्रिसेस। चैप्टर नंबर 8 डिटर्मिनेंट्स। चैप्टर नंबर 9 प्रोबेबिलिटी। चैप्टर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। चैप्टर 11 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। Chapter number 12, solution of triangles, heights and distances. Chapter 13, rectangular axis and straight lines. Chapter number 14, circles. Chapter number 15, parabola. Chapter number 16, ellipse. Chapter number 17, hyperbola. Chapter number 18, functions. Chapter number 19, limits, continuity and differentiability. Chapter 20, derivatives. Chapter number 21, application of derivatives. Chapter number 22, indefinite integrals. Chapter 23, definite integrals. Chapter 24, application of integration. Chapter number 25, differential equations. Chapter 26, vectors. Chapter 27, three-dimensional geometry. Chapter number 28, statistics. Chapter number 29, mathematical reasoning and Boolean algebra. Chapter 30, numerical methods. Chapter 31, linear programming problem. Chapter 32, computing. Chapter 33, group theory. Chapter number 34, elementary arithmetic. Chapter number 35, elementary arithmetic second. Chapter 36, percentage and its applications.
chapter 37 elementary algebra, chapter 38 logarithm, chapter 39 geometry and chapter 40 mensuration. मैंने यहाँ पर सिर्फ चैप्टर्स के नेम आपको बताए हैं, उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किए हैं, क्योंकि उससे वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगी. तो मैंने आपको ब्रीफ में इसके कंटेंट्स बताए हैं. हर चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स इन्होंने लिए हैं वो मोर देन सफिशेंट, मोर देन सफिशेंट. आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे. दूसरी बात यह है कि जो मैंने यहाँ पर फील की कि यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी हैं जो 11, 12 से भी बियॉन्ड सिलेबस चला जाता है और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली इन एंट्रेंस एग्जामिनेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो वो भी इसमें इंक्लूड कर दिए हैं. और कुछ वाइटल टॉपिक्स ऐसे हैं जो हम लोग बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं, लाइक 6th, 7th, 8th स्टैंडर्ड में, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए हर स्टूडेंट की. तो उनके कॉन्सेप्ट्स भी इसमें इंक्लूडेड हैं. जैसे मैंने बताया आपको एलिमेंट्री अर्थमेटिक पार्ट वन में इन्होंने बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स दे रखे हैं, नंबर सिस्टम, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स इन डेसिमल नंबर, डिवीजन ऑफ नंबर्स, रूल ऑफ डिटरमिन द डिजिट एट यूनिट प्लेस, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फ्रैक्शन, सर्ड्स, HCF, LCM, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज रेशियो एंड प्रोपोर्शन. फैंटास्टिक. एलिमेंट्री अर्थमेटिक सेकेंड पार्ट में इन्होंने दे रखा है टाइम एंड वॉक, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन्स, बोट्स एंड स्टीम्स, पाइप्स एंड सिस्टम्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स. अमेजिंगली गुड. आगे इन्होंने दे रखा है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर नंबर 36 में, और इसके अंदर ये देते हैं परसेंटेज फार्मूला रिलेटेड टू पॉपुलेशन, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन, पार्टनरशिप, शेयर एंड डिबेंचर्स, एलिगेशन ऑफ मिक्सचर्स. तो और क्या चाहिए. चैप्टर नंबर 37 है एलिमेंट्री अलजेब्रा, तो इसके अंदर इन्होंने दे रखा है पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, ऑब्वियसली ये 9th स्टैंडर्ड की चीज है, और सिंथेटिक डिवीजन. सिंथेटिक डिवीजन मेथड ये BSc के अंदर यूज़ होने वाला एक मेथड है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत इजी मेथड है और जनरली बच्चों को अगर बता दिया जाए तो एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में काफ़ी हेल्पफुल साबित होता है. तो बहुत ही अच्छी से लिखी गई है ये बुक, बहुत ही मेहनत की गई है ऐसा लगता है, बहुत ही बारीकी से जज किया गया है किन टॉपिक्स को इसमें इंक्लूड करना चाहिए, किन को नहीं करना चाहिए. तो मैं बहुत ही ज़्यादा हाईली रिकमेंड करूँगा इस बुक को. हर 9th, 10th, 11th, 12th और अंडर ग्रेजुएशन कोर्सेज के बच्चों के लिए जिनके पास मैथ्स है एज अ सब्जेक्ट, और इवन टीचर्स के लिए भी कम हेल्पफुल नहीं है. आई एम वेरी हैप्पी टू हैव दिस. अभी मैंने इसको कुछ दिन पहले ही परचेज़ किया है और मुझे बहुत ज़्यादा मदद कर रही है ये बुक. तो मुझे लगता है कि हर टीचर को भी इसको अपने पास रखना चाहिए. तो ये था इस बुक का रिव्यू, और जाहिर है कि ये कोई पेड वीडियो नहीं है, ये मेरे अपने दिल की आवाज़ है और मैं ये चाहता हूँ कि जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा होता है उससे दूसरे लोगों को भी फ़ायदा हो. सिर्फ इस नज़रिए से, इस नीयत से मैं कोई वीडियो बनाता हूँ. तो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए अपने सर्कल्स में, क्योंकि कुछ हो ना हो लेकिन एप्रिसिएशन तो एटलीस्ट चाहिए. सो फिर मिलेंगे किसी ऐसी उम्दा और हेल्पफुल वीडियो के साथ में. तब तक के लिए खुदा हाफिज़, और दुआ में याद रखिएगा.